हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और लेटेस्ट रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए, आज हम आपके पास शोकेस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन 2-3 BHK विला। और अगर हम डिटेल्स की बात करें तो लोकेशन जो है महारानी गार्डन रोड मानसरोवर पर आपको ये मिलता है। और एरिया जो है 15x45 75 गज का आपको ये विला मिलता है। और 1600 स्क्वायर फीट जो है इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है। 3 बेडरूम और 3 बाथरूम है इसके अंदर। और आस्किंग प्राइस की बात करें तो 52 लाख रुपीज़ की इसकी आस्किंग प्राइस है। तो चलिए लेते हैं इसका एक क्विक टूर। तो चलिए लेते हैं अब हम इसका डैप टूर। अगर हम बात करें विला की तो ये नॉर्थ फेसिंग है, JD अप्रूव प्रॉपर्टी है। और अगर हम एलिवेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से मिलता है हमें एलिवेशन। काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किए हैं। और कॉलोनी के अंदर आपको मिलती है प्रॉपर कॉलोनी की वाटर सप्लाई। चलिए अंदर देखते हैं किस तरीके से जो है इसका ओरिएंटेशन दिया गया है। जैसे हम एंटर करते हैं तो आपको मिलता है कुछ इस तरीके से पार्किंग के लिए पोर्च। यहाँ पे आप इजीली अपनी एक सेडान पार्क कर सकते हैं। और वाटर टैंक का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे अपना वाटर स्टोरेज आप कर सकते हैं। और किचन के लिए भी आपको वेंटिलेशन मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। और बाहर नीचे की तरफ एक टैप का भी ऑप्शन दे रखा है आपको, वाटर टैप। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको जो है आपका हॉल कम लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे टाइल्ड फ्लोरिंग मिलता है, सिरेमिक टाइल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। और हॉल के अंदर जो है सामने मिलता है आपको एक बेडरूम और एक कॉमन वॉशरूम। अगर हम हॉल के अंदर देखते हैं तो हॉल के अंदर आपको दिया गया है यहाँ पे एक LCD पैनल, वुडन पैनल आपको यहाँ पे मिलता है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे रैक्स दे रखे हैं आपको, और सामान स्टोर करने के लिए आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है यहाँ पे, एडिशनल स्पेस। और अगर हम मेन डोर की बात करें तो मेन डोर पर इन्होंने जेंसन के लॉक्स यूज़ किए हैं, जो कि एक अच्छा ब्रांड है लॉक्स में। और यहाँ पर मिलती है आपको अपनी मॉड्यूलर किचन। और अगर हम फिटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जैगुआर की फिटिंग यूज़ करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कैबिनेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, वुडन कैबिनेट्स। रैक्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दे रखी है। और यहाँ पे आप अपना चिमनी लगा सकते हैं, गीजर के लिए और वाटर RO के लिए पॉइंट्स छूटे हुए हैं यहाँ पर। और रेफ्रिजरेटर के लिए आपको जो है पावर पॉइंट का ऑप्शन मिलता है विद ए प्रॉपर स्पेस। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट बेडरूम। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन वॉशरूम जो है किस तरीके से आपको मिलता है। कुछ इस तरीके से मिलता है आपको कॉमन वॉशरूम। और बाहर मिलता है आपको एक वॉश बेसिन सिंक। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम कुछ इस तरीके से है, रॉयल प्ले पेंट इन्होंने यूज़ किया है। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी लॉबी मिलती है फॉर दी वेंटिलेशन। और AC के लिए फिटिंग आपको यहाँ पे दे रखी है।
और सीलिंग की डिजाइन कुछ इस तरीके से है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों में इन्होंने ग्रेनाइट का यूज किया है। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स का जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरीके से है। लेफ्ट और राइट में आपको मिलते हैं बेडरूम्स और एक कॉमन वॉशरूम आपको दे रखा है यहाँ पे। जो कि सामने वाले बेडरूम के लिए एक्सेसिबल होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलती है कुछ इस तरीके से टेक्चर्ड वॉल और काफ़ी सारे स्पेस मिलता है आपको वार्डरोब्स के थ्रू इस तरीके से। और स्टोन पार्टियाँ इन्होंने लगाए हैं यहाँ पे। वेंटिलेशन के लिए विंडो हमें मिलती है और एसी की फिटिंग। और अगर हम सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है सीलिंग का डिज़ाइन। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर का जो सेकंड बेडरूम है कुछ इस तरीके से है। रॉयल प्ले वॉल आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर हम सीलिंग की डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी अच्छी सीलिंग डिज़ाइन इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे मिलता है हमें अटैच्ड एक वॉशरूम जो कि कुछ इस तरीके से है। विद जैगुआर फिटिंग और वेंटिलेशन के लिए इन्होंने विंडो और कुछ इस तरीके से ग्लास रेलिंग के साथ में जो है आपको मिलती है बालकनी कुछ इस तरीके से। और सीलिंग बालकनी की सीलिंग डिज़ाइन हम देख सकते हैं वुडन स्टाइल आपको सीलिंग डिज़ाइन मिलती है। और अगर हम कॉलोनी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बसी हुई कॉलोनी है। रोड की हम देख लेते हैं, रोड की भी चौड़ाई जो है काफ़ी बढ़िया है। इजीली दो SUVs आराम से क्रॉस कर सकती हैं। अब हम चलते हैं रूफ टॉप की तरफ। रूफ टॉप पे जो है यहाँ पे भी आपको कुछ एडिशनल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ भी आप कुछ अपना सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और रूफ टॉप कुछ इस तरीके से है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने आउटपुट छोड़ रखा है एक। और कॉलोनी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बसी हुई कॉलोनी है, काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है आसपास में। सभी वाटर टैंक्स आपको रूफटॉप पे दिए हुए हैं। तो ये थी हमारी विला की डिटेल्स जो कि आपने देखी। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है और आप इस साइट को विज़िट करना चाहते हैं तो बिल्डर के जो नंबर हैं हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।